करना है, सहनशीलता दीनता नम्रता बढ़ाना है और दुनिया को समझे रहना है। दुनिया तो इस प्रकार की है ही, ये उसकी बात को डील नहीं करना है। डील करना ये बहुत बड़ा दोष है। अपना अहंकार बढ़ता है दूसरे में दोष देखने से, और अंतःकरण गंदा होता है, और फिर कोई दवा है नहीं, कोई दवा तो उसकी है नहीं विश्व में, तो सारे संसार के लोग महाराज जी बन जाएंगे। ये थोड़ा सा की जा सकती, अपने को ठीक करना है। बस जो व्यक्ति दूसरे में दोष है और उसको देखता है, उसके सम्मान में किसी को मूर्ख नहीं मानता, क्योंकि उस दोष को हम मिटा तो सकते नहीं, वो दोष तो रहेगा उसमें, और एक दो चार नहीं है सारा संसार है, और संपर्क हमारा सबसे रहेगा ही। तो अगर हम फील करेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, अपना नुकसान करेंगे और गुरु सेवा से भी गड़बड़ करेंगे, उसमें भी गड़बड़ होगी। जब तक माइंड नॉर्मल और स्वच्छ और शांत और खुश न हो, तब तक कोई वर्क बढ़िया नहीं होता सेवा। और फिर शब्द जाल में धारा क्या है, कोई व्यक्ति कुछ कह भी जाए, विश्वनाथ बाबा है, सन्यासी है, सब आएंगे, कुछ आपिस तीन चार लोग हमको तुमने नहीं दिया, लोटा हो तुम हम पर करते हो, तो हमको बड़े लाभ साहब बड़े दानी हो। अच्छा मैं आप क्या इलाज क्या है सारे संसार का, जो राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा तो उसको गाली दी है बड़ी सभा में। हम इस बात के बहुत ही पाबंद हैं और इस सिद्धांत के लिए ही हमारा दिन रात प्रयत्न हो रहा है कि डील न करो। जितना अधिक सहनशील बनोगे वही तुम्हारी आत्मा का उत्थान। निंदक नियरे राखिए आंगन सुती छवाए, ये डीलिंग नहीं होनी चाहिए। अरे कल्पना करो, तुम्हारे इतने सत्संगी आते हैं तुम्हारे पास यहां वृंदावन में, एक क्रैक कोई आ गया, अब एक क्रैक के यहां बैठे हुआ है मोहन, कभी आप तो कुछ जाए संबंध बोले और उसको फील करें और उसको सुधारे भी कहेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे, वो तो जहां है वही रहेगा। कभी भी दूसरे में कमी मत देखो, हम सहन नहीं कर सकते ये हमारी कमी, बस एक पॉइंट, और उसी के लिए हमको आगे बढ़ना है, अभ्यास करना है। इसका अभ्यास और खास तौर से आश्रमवासी को जो आश्रम चलावे उसको तो इसका अभ्यास करना ही होगा, नहीं तो सेवा काम सही नहीं कर सकता। अगर फील करने का आदत डाल लिया, अगर फीलिंग आ भी जाए कहीं तुरंत झटको सिर्फ है, ये क्या बदतमीजी, मैं कौन शुद्ध और परमहंस और मायातीत हूं, मेरे में भी तो दोष है, फिर मुझे क्या हक है दूसरे को दोष देखने का, मेरे में सहनशीलता नहीं है मेरा दोष है, उसको हम ठीक कर ले, बाकी सब मशीन ठीक है, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, क्योंकि ये तो दवा हमारे पास है ही नहीं कि सबको मैं ठीक कर लू। अरे जब भगवान महापुरुष हार जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वाणी पर संयम और फीलिंग कम से कम खत्म, दो आदेश हैं तुम दोनों के लिए खास हो, तो गंभीरता से इसका अभ्यास कर लो। एक महीने में बहुत बढ़िया अभ्यास हो सकता है, एक महीने कहीं प्रसंग आए, हाँ महाराज जी ने कहा था तुरंत ठीक कर लो, गड़बड़ हुआ हाँ, जैसे कोई आदमी कपड़ा पहनता है टाई टेढ़ी हो गई, स्त्रियां कपड़ा पहनती है बार बार ठीक करती रहती है, ऐसे अभ्यास करना होगा मन के लिए। अब मेरा कल समय